नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड जब कभी भी किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। मेटल ऑक्साइड, बहुत सारे मेटल्स आपने देखे होंगे, नए नए लेकर आते हैं तो चमकते चमकते होते हैं, है ना। बहुत सारे मेटल्स, भले आप सिल्वर की बात कर लीजिए, रखा रखा काला हो जाएगा, एक परत आ जाती है ना उसके ऊपर। तांबा देखा है आप लोगों ने, थोड़ा येलोइश रेड कलर का होता है, वो भी थोड़ा डार्क होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितनी भी ऑक्सीजन है ना, उसकी एक लेयर बन जाती है उनके ऊपर। रिएक्ट करते हैं ना, मेटल पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और डेफिनेटली एक लेयर बन जाती है। अब अगर आप कॉपर की बात करें, कॉपर आप अपने घर में इस्तेमाल भी करते होंगे, तो कॉपर येलोइश ब्राउन कलर का होता है। लेकिन अगर कॉपर पर एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाए तो क्या होता है? देखिए, कॉपर Cu2 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन होती है 2 नेगेटिव, यानी इक्वल अपोजिट वैलेंसीज। कॉपर ऑक्साइड होगा हमेशा CuO। चलिए, CuO का रिएक्शन हमने करवाना है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका रिएक्शन कराते हैं। क्या होगा? कभी भी किसी भी रिएक्शन को बनाना है, नियम हमेशा याद रखिए, Cu2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, H1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी Cu2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ एक कंपाउंड बनाएगा। वैलेंसी क्रिस क्रॉस कर लेते हैं, CuCl2 बनेगा, CuCl2। और इसके अलावा H is 1 पॉजिटिव, O is 2 नेगेटिव, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कीजिएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है ना, अब रिएक्शन को बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। अब आप लोग बहुत समय से समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से रिएक्शन को बनाना है, तो थोड़ा जल्दी बन जाती है। ठीक है ना, आप भी हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इसी तरीके से बनाइए। अब देखिए, अल्टीमेटली हुआ क्या, आपने मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से करवाया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, नाम लिख लेते हैं चलिए, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कॉपर का कलर मैंने आपको बताया था कि येलोइश रेड होता है, लेकिन जब उस पर एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है तो वो ब्लैक होने लग जाता है। आप देखिएगा, कभी बिल्कुल काला सा होने लग जाए, एकदम डार्क हो जाएगा उसका कलर। बहुत रखा रहने देंगे तो हल्की सी काली आने लगेगी उस पर। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप जानते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। इन दोनों का आपने रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिला? आपको एक सॉल्ट मिला। इस सॉल्ट को क्या कहते हैं? कॉपर सेकंड क्लोराइड। अभी मैं समझाती हूँ सेकंड का मतलब। पहले ये सुनिए कि ये जो कॉपर सेकंड क्लोराइड है, इसका जो कलर है वो है ब्लू ग्रीन। यहाँ ब्लैक था लेकिन अब ये हो गया है ब्लू ग्रीन। एक और काम की बात सुनिए, कॉपर सेकंड क्लोराइड को ही क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। और ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है ना, इसका कलर येलोइश ब्राउन होता है। अब यहाँ पर एक पॉज लीजिए और ध्यान से सुनिए, कॉपर सेकंड क्लोराइड, पहले तो इसको सुनिए, कॉपर Cu2 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है, हमने क्रिस क्रॉस किया था तो हमें मिल गया था CuCl2। क्योंकि यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर 2। आपको ये पता होगा कि Cu1 पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना, Cu1 पॉजिटिव स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 भी होता है, लेकिन यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, उसी को कॉरेस्पॉन्ड करता है ये रोमन में लिखा हुआ 2। ठीक है ना, इस बात को आप समझ गए। अब ये ब्लू ग्रीन कलर का है। अब इस ब्लू ग्रीन कलर का मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉपर सेकंड क्लोराइड है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से आपको इसमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन कलर में जो ब्लू कलर है पर्टिकुलरली, वो थोड़े मॉइस्चर की वजह से है। ब्लू ग्रीन कलर आप ये कहिए कि थोड़ा मॉइस्चर की वजह से है। अगर तो मान लीजिए इसमें मॉइस्चर नहीं होता, एनहाइड्रस होता, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है बिल्कुल भी, वो एनहाइड्रस होता है। अगर ये कॉपर क्लोराइड एनहाइड्रस होता तो ये येल्लोइश ब्राउन कलर का होता, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से, वाटर का मतलब ये नहीं है कि आपने पानी ही उसमें डाल दिया, नहीं, जो मॉइस्चर है ना, उस मॉइस्चर की वजह से भी जो वाटर पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं इन कॉपर क्लोराइड में, उसकी वजह से ये कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर का होगा। कॉपर क्लोराइड को ही
कॉपर सेकंड क्लोराइड को ही हम क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं। और अगर ये क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर कॉपर सेकंड क्लोराइड में से पानी की मात्रा बिल्कुल हटा दी जाए तो इसका कलर होगा येल्लोइश ब्राउन, ठीक है ना। कॉपर का कलर क्या था? येल्लोइश ऑरेंज। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या था? ब्लैक। अगर पानी रहेगा तो ब्लू ग्रीन, पानी हटा देंगे तो येल्लोइश ब्राउन। ये हालांकि आपसे ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं पूछा जाएगा इसमें। इसमें क्या पूछा जाएगा? व्हेन एवर अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। वाटर बनेगा वो एक अलग बात है, बट सॉल्ट बन रहा है। और आपको पता है कि जब कभी भी कोई भी एसिड रिएक्ट करता है किसी और कंपाउंड से और एक सॉल्ट बना देता है, ठीक है ना, वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए या फिर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट किया है। आपको एमओ नहीं लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट बन गया है, अब सॉल्ट न्यूट्रल होता है, वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? ना एसिड है और ना ही ये बेस है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो सॉल्ट बना देता है और वाटर बनाता है। क्योंकि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कलर याद रहता है तो बहुत बढ़िया, कलर याद नहीं रहता तो इट्स ओके। बट हमेशा याद रखिए कि कॉपर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कभी भी ब्लू कलर की बात करें, सिर्फ कॉपर, कॉपर सल्फेट हो गया, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, या यहाँ पर ब्लू तो है ही ना, ब्लू के साथ ग्रीन भी है, तो आप समझ जाइए पानी है उसमें। एक्वा का कलर भी पानी होता है ना, वाटर आप देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े समंदर तो आपको ब्लू ही कलर का दिखाई देता है, किसी भी वजह से दिखाई दे जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप उसको ना उस रंग से याद तो रखते हैं ना, पानी नीला, राइट। चलिए तो आज के इस छोटे से लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन कहीं पर भी है तो प्लीज़ फ़ौरन पूछिए, कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।